मेरा नाम चंदन पांडे है। अभी मैं एनडीए का रिटर्न एग्ज़ाम देकर आ रहा हूँ। पेपर बहुत अच्छा था, मैथ्स का पेपर इजी। हम लोग सोचे थे कि पेपर थोड़ा टफ आएगा, लेकिन पेपर एकदम मॉडरेट लेवल का था। मतलब 50 क्वेश्चंस आराम से हो गए, कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा मैथ्स में। और मुझे जो भी प्रेशर था वो जनरली मैथ्स के पेपर में ही था, क्योंकि मेरा मैथ्स ही पिछले बार गड़बड़ हो गया था, लेकिन इस बार मैथ्स पेपर भी सही हुआ। जीएटी पेपर, इसमें भी 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं और वो भी सही क्वेश्चंस आए हैं। और ओवरऑल एक्सपीरियंस इस बार पक्का हो जाएगा मेरा। मैंने कोचिंग यहीं देहरादून में ब्रिगेडियर्स डिफेंस एकेडमी से किया था, और सबसे ज़्यादा मेरे को बेनिफिट हुआ मैथ्स के में, क्योंकि मैथ्स के जो टीचर हैं अंकित सर, उनके चलते बहुत बेनिफिट हुआ। जो क्वेश्चंस उन्होंने कराए वही एकदम एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट हो गए सारे। तो मैं सबसे ज़्यादा एफर्ट्स उन्होंने किए हैं मेरे ऊपर, और सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं उन्हीं के लिए हूँ। जीएटी मेरा शुरू से भी अच्छा था। फर्स्ट वाला जो पेपर मैंने दिया था उसमें मेरे 310 स्कोर बैठ गए थे फर्स्ट वाले में, जबकि उतना प्रिपरेशन भी नहीं था। इस बार तो प्रिपेयर भी करके गया था अच्छे से, तो पेपर बहुत अच्छा गया। 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए मैंने टोटल, तो पेपर बहुत अच्छा गया इस बार का। यस सर, इस बार पेपर क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश वोकैब वीक था मेरा, लेकिन इस बार का जो वोकैब का सेक्शन था इंग्लिश का, वो बहुत नॉर्मल लेवल का आया था। मीन्स जो वर्ड्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वैसे ही वर्ड्स थे कम्प्लीटली, तो वो भी इजी हो गया इंग्लिश भी। हाँ सर, सारे फ्रेंड सर्कल से बात हुआ। कुछ लोग मैथ्स में अच्छे हैं, कुछ जीएटी में। तो मैथ्स में जो लोग अच्छे हैं वो भी 70 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं। मैथ्स सबका अच्छा गया इस बार, क्योंकि मैथ्स का पेपर अच्छा था इस बार। और खास करके जो मेरे अकेडमी से जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, उन सबका मैथ्स पेपर बहुत अच्छा गया है। जीएटी थोड़ा ट्रिकी था, बट वो भी सही था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।